हाय, मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट सच में महंगे, फॉरएवर एलोवेरा जेल सच में महंगा है और क्यों आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जबकि मार्केट में और भी चीपर ब्रांड्स अवेलेबल हैं। देखिए, महंगा सस्ता एक बात है कि महंगा सस्ता तब पता चलता है जब आप उसको किसी और चीजों से कंपेयर करते हैं। अब चाहे एलोवेरा जेल हो या कोई भी चीज हो, महंगा सस्ता हर जगह है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं तो आपको सस्ता चाहिए तो आप सस्ता लीजिए, बट बिसाइड प्राइस क्या आप प्राइस के अलावा कुछ और देख रहे हैं? जबकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने हेल्थ के लिए यूज करेंगे, आप अपने बॉडी के अंदर डालोगे, ऊपर से नहीं लगाओगे। तो आप जरूर ये चीज चाहोगे कि आपको जो चीज मिल रहा है, जो चीज आप यूज करने जा रहे हो, वो आपके बॉडी के लिए बेस्ट क्वालिटी का हो। अब महंगा सस्ता तो हर कैटेगरी में होता है, हर आइटम में होता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी कितना साधारण सा एग्जाम्पल है, राइट? अगर आप पानी के केस में भी देख लो, एक कैटेगरी ऑफ पानी आता है जिसमें आपको 15 से 20 रुपए के रेंज में एक लीटर मिल जाता है, राइट? एक और कैटेगरी आता है हिमालयन, जिसमें आप 50 से 80 रुपए पे करते हो उस एक लीटर पानी के लिए। और उससे ज्यादा एक और क्वालिटी का आता है जिसको बोलते हैं इवोकस ब्लैक एल्कलाइन वाटर, जिसको आपने सुना होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे टॉप एथलीट्स वो यूज करते हैं, जो कि बहुत ही महंगा आता है, करीब 200-250 रुपए पर लीटर आता है, राइट? तो पानी में भी इतने वैरायटीज अवेलेबल है मार्केट में और लोग ले रहे हैं। लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब कहने को आए तो सभी पानी ही है, राइट? बट लोग ले इसलिए रहे हैं क्योंकि वो कुछ अलग देख रहे हैं, कुछ क्वालिटी अलग देख रहे हैं, राइट? जिसके वजह से पानी के लिए भी अलग अलग कस्टमर्स अवेलेबल है, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली एग्स के केस में देखें, यहाँ पे भी क्वालिटी डिफरेंस आता है, राइट? एक एग ऐसा होता है, आप सुपरमार्केट जाते हो, यहाँ पे इतने सारे वैरायटीज ऑफ एग्स हैं। अगर आपको एग्स ही चाहिए होते तो आप कोई भी ले लो, सारे एग्स ही हैं, राइट? बट उसमें भी देखिए, चीप क्वालिटी का किसी को पसंद नहीं आता, राइट? तो इस लेट्स से ये एग है जिसमें ये हैंस है, इनको इस कंडीशन में रखा गया है, नॉर्मल कंडीशन, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, जो यहाँ ये कुछ भी खा रही है और एग्स दे रही है और लोगों इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ये है 50 रुपीज पर कैरेट। बट यहाँ पे एक और टाइप के हैंस हैं जिनको स्पेशल ग्रेन्स दिया जा रहा है, इनको वीट, बार्ली या जो भी स्पेशल ग्रेन्स दिया जा रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसके बाद ये एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसका दाम है 150 रुपीज पर कैरेट, राइट? तो लोग देखा जाता है कि सुपरमार्केट में जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के एग्स होते हैं, ये पहले सोल्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, राइट, आप कुछ कंज्यूम करो, तो आप हमेशा चाहोगे कि आप अच्छे क्वालिटी के चीजों को यूज करो। सो इट इज अबाउट क्वालिटी। अगर आप प्राइस देख रहे हो, सारा डिसीजन आपके हाथ में। अगर आप प्राइस देख रहे हो, देन गो फॉर द चीपेस्ट वन, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या रिजल्ट लेके आएगा और क्या नहीं। बट अगर आपको क्वालिटी देखना होता है तो आप थोड़ा सा मैं कहता हूँ थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा जानिए उसके बारे में कि क्यों इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगी, यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेस लगे हैं, चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, इसीलिए इसके लिए ज्यादा चार्ज किया गया, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी, एंड जब आप अपने बॉडी के अंदर कुछ डाल रहे हो, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एलोवेरा जेल, मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल है, बॉटल देख के आप समझ ही गए होंगे कौन सारे ब्रांड्स हैं, राइट? आप उनके अगर इंग्रेडिएंट्स देखो तो आपको नजर आएगा एलोवेरा जेल का, जो बोलने के लिए एलोवेरा जेल है वो तो है, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ देखिए इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीजें हैं। ग्रीन एलोवेरा लीफ, राइट, जैंथन गम, सॉर्बिट्रोल, साइट्रिक एसिड, प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, इतने सारे केमिकल मिक्सड है। अगर आप ये देखो जैंथन गम, इसको अगर आप गूगल करो तो आपको यहाँ दिखेगा, In manufacturing, xanthan gum is used as thickening and stabilizing agents in food, for toothpaste and medicines, right? यहाँ पे लिखा xanthan gum is used for diabetes, constipation, dry eyes and many other conditions, but there is no good scientific evidence to support most of these uses. जितने भी use यहाँ पे बताए गए, कोई scientific evidence नहीं है, right? So ये सारे chemicals है। अगर आप sorbitol देखो, it is also a drug क्या होता है? Drug एक chemical substance होता है। तो इसमें साइट्रिक एसिड, बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल चीजें मिक्स हैं और इसको मार्केट किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सस्ता ऑप्शन अगर आप बॉडी में डालो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट? तो उसी के अगेंस्ट में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, उसी के अगेंस्ट में आपको दिखाता हूं कि फॉरएवर एलोवेरा जेल ही क्यों। अब अगर मैं आपसे ये शेयर करूं कि फॉरएवर एलोवेरा जेल ही क्यों आपको बाकी ब्रांड्स के मुताबिक यहाँ पे क्या फायदा मिलता है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे आपको समझ आएगा।
एक है कि फॉरएवर सबसे लार्जेस्ट ग्रोअर है एलोवेरा का एंड डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्लांटेशन हैं जो यूएसए एंड कैरेबियन में हैं, वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एकदम ऑप्टिमम लेवल पे आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इन एलोवेरा को उगाने के लिए, क्योंकि एलोवेरा की भी 400 वैरायटीज होते हैं, उनमें से दो या तीन वैरायटीज हैं जो खाने लायक हैं एंड यहाँ पे वही यूज किया जाता है, यहाँ पे वही उगाया जाता है। एंड इसलिए हमें यहाँ पे गारंटी से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ना, चाहे एलोवेरा के लीव्स जो हार्वेस्टेड लीव्स होते हैं, जो फ्रेश मेच्योर लीव्स होते हैं, उनको काटने से लेके किन टेम्परेचर में उसको स्टोर करना है, वो सारा कंट्रोल फॉरएवर अपने हाथ में रखता है, कोई चीज आउटसोर्स नहीं होता। इसलिए हम अश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड, कोई फर्टिलाइजर्स, कोई केमिकल्स यूज नहीं होते एलोवेरा फील्ड में जहां इसको उगाया जाता है, राइट। हमारा जो जेल है, हमारा फॉरएवर एलोवेरा जेल, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रेशली हार्वेस्टेड मेच्योर लीव से एंड ये स्टेबिलाइज किया जाता है ताकि इसके जो न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट है वो इंटैक्ट रहे। और विद इन आवर्स, जब से काटा जाता है, विद इन 2-3 आवर्स इसको मेक श्योर किया जाता है कि इसको स्टेबिलाइज किया जाए। और ये जो स्टेबिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये पेटेंट किया हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पे, राइट। दैट मीन्स ये जो स्टेबिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कोई भी और इंडस्ट्री, कोई भी और कंपनी यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये फॉरएवर का अपना इन्वेंट किया हुआ प्रोसेस है जिससे वो स्टेबलाइज करता है एंड न्यूट्रिशन को। ये बहुत ही प्राइम फैक्टर है कि क्यों फॉरएवर एलोवेरा जेल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशनल कंटेंट को, जो उसका न्यूट्रिशन है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके फायदे करने वाली चीजें हैं, उसको इंटैक्ट रखा जाता है, डायरेक्टली मदर नेचर से प्रोडक्ट बना के आप तक लेके आया जाता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं होती, कोई कलरिंग ऐड की नहीं जाती। ड्यूरिंग द ईयर अलग अलग, जब अलग अलग टाइम पे एलोवेरा हार्वेस्ट किया जाता है तो थोड़ा थोड़ा कलर का डिफरेंस आता है, बट वो कलर डिफरेंस फॉरएवर समझता है इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल कि ये कलर वेरिएशंस आए, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे कोई भी ब्लीचिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता ताकि हम कलर को कंसिस्टेंटली रख पाए शेल्फ्स में दिखाने के लिए ऑल द, मतलब पूरे साल साल तक, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरएवर एलोवेरा जेल में जो रिचनेस है, जो पल्प है, वो उसको इंटैक्ट रखा जाता है, उसको फिल्टर नहीं किया जाता। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं मार्केट में जो आपको एलोवेरा जेल तो ऑफर कर रहे हैं बट उसका पल्प स्ट्रेन कर दिया जाता है और उसका अपीयरेंस दिया जाता है कि बॉटल वाटर जैसा दिख रहा है, एलोवेरा जूस है पर उसमें पल्प ही नहीं है, या है तो बहुत ही कम है, राइट। उसको फिल्टर करके दिया जाता है। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी होल लीफ एलोवेरा जेल बहुत अटेंशन ग्रैब करता है मार्केट में, ग्रैब कर चुका है, राइट। एंड बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे कंपनीज इसको मार्केट करते हैं इस तरीके से कि इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, बट एक्चुअल इसका जो न्यूट्रिशन है एलोवेरा में, वो एलोवेरा जेल में है, ना कि उसके लीफ में, ठीक है। और वो चीज वो मेंशन करना भूल जाते हैं कि अगर वो होल लीफ एलोवेरा जेल यूज भी कर रहे हैं पूरे लीफ के साथ, क्योंकि लीफ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव एलिमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और उसको हटाने के लिए उसको चारकोल फिल्टर्स के थ्रू पास करवाना पड़ता है। और जब आप उसको चारकोल फिल्टर्स के थ्रू पास करवाते हो तो वो उसके नेचुरल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अपसेट कर देता है, मतलब उसका जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो बिगाड़ देता है। इसीलिए फॉरएवर में ओनली जेल को यूज किया जाता है, जो भी लीफ है या अनवांटेड चीजें हैं उसको नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर लेते हैं फील्ड में, बट कंज्यूम करने के लिए फॉरएवर अपने इंटेग्रिटी के साथ नहीं खेलता, राइट। तो फॉरएवर सिर्फ नेचुरल फॉरएवर एलोवेरा जेल आपको देता है उस बॉटल में, बिना किसी फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलोवेरा, जो हमारा एलोवेरा है, उसको बॉयल नहीं किया जाता, क्योंकि बॉयलिंग करने से क्या होता है, बॉयलिंग या पैस्चराइजेशन ये एक चीपर और फास्टर तरीका है, बट इससे क्या होता है कि जो एलोवेरा जेल के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए फॉरएवर यूज करता है कूलिंग प्रोसेस, राइट, जिससे वो इंश्योर करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं वो इसमें लॉक हो जाए। बहुत सारे कंपनीज ये भी बोलते हैं कि हम फ्रीज ड्राइड, बहुत सारे कंपनीज यूज करते हैं कि फ्रीज ड्राइड एलोवेरा जेल को यूज किया जाए कि वो उससे न्यूट्रिशन निकाल पाए, उससे एलोवेरा जूस बना पाए, बट हमारा एलोवेरा किसी भी फ्रीज से ड्राई किया गया एलोवेरा जेल, मतलब जो एलोवेरा जेल को जो फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं फिर बाद में उसको यूज किया जाए, उस तरीके का काम यहाँ नहीं होता, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेशली हार्वेस्टेड एलोवेरा को यूज किया जाता है जेल फॉर्म में बनाने के लिए, 100% स्टेबिलाइज किया जाता है और इमिडिएटली प्लांट से प्रोडक्ट के रूप में आप तक लेके आया जाता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि द फूड एंड
ड्रग लेबोरेटरीज ऑफ न्यूयॉर्क, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारा एलोवेरा जेल इज एसेंशियली आइडेंटिकल टू द रॉ जेल, मतलब जो ओरिजिनली एक फ्रेश नेचुरल एलोवेरा प्लांट में जिस तरीके जेल जो बेनिफिट्स होता है एग्जैक्टली एसेंशियली आइडेंटिकल, मतलब नियर टू 100% आइडेंटिकल, वैसा ही हमारा एलोवेरा जेल है, इसीलिए ये बाकी एलोवेरा जेल से बहुत ही बेहतर काम करता है। इन अदर वर्ड्स, तो हमारा एलोवेरा जेल इज लाइक ब्रेकिंग ओपन अ लीफ एंड स्कूपिंग आउट द जेल विदाउट द टॉक्सिन्स एंड पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, मतलब अगर फॉरएवर एलोवेरा जेल का ढक्कन खोल के बॉटल से आप पी रहे हो, इसका वही मतलब है कि आप डायरेक्टली लीव से, जो नेचुरल प्लांट है उसके लीव से आप जेल पी रहे हो, बट उसमें टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स नहीं है जो एनवायरनमेंट में होते हैं, राइट? क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो जहां उगता है उसके पास के वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पे पोल्यूटेंट्स हैं तो वो उन चीजों को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए बहुत सारे घरों में एलोवेरा प्लांट उगाया जाता है, वो इस पर्पज से उगाया जाता था कि आपके घर में जो एयर आ रहा है वो फ्रेश आए, पोल्यूटेंट्स उसमें ना आए। बट फिर हम उसको कंज्यूम करने लगे और हम बोलते हैं कि हमारे आंगन में ही एलोवेरा उगता है तो हम ये क्यों ले, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन तो होता है बट उसके साथ साथ पोल्यूटेंट्स भी होते हैं। तो एक आयुर्वेदिक रिकॉर्ड्स में एक कहावत है कि अगर आपका डाइट रॉन्ग है तो मेडिसिन कोई काम का नहीं है, बट अगर डाइट सही है तो मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, राइट? तो इसीलिए फॉरएवर एलोवेरा जेल मदर नेचर से सबसे नियरेस्ट, सबसे आइडेंटिकल फॉर्म में आपको मिलता है, जो कि आपके आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसको दुनिया के सारे प्योरिटी सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जो आम प्रोडक्ट्स अब जो मार्केट में देखोगे उनके लिए ये ले पाना बहुत मुश्किल है, राइट? और इन, ये जो एक कोशर रेटिंग आपको दिख रहा है, इन टाइप के सर्टिफिकेशन का मिलना ही बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अमृत के समान है, राइट? हलाल सर्टिफिकेशन, कोशर रेटिंग्स एंड इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल, ये सारे चीजें आप गूगल करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा इन प्योरिटी सर्टिफिकेट्स का क्या वैल्यू होता है, क्या मीनिंग होता है, और इनका मिलना क्या दर्शाता है कि कितना ओरिजिनल और कितना प्योर है फॉरएवर एलोवेरा जेल। अगर आपको अभी क्लियर हो गया कि क्यों फॉरएवर एलोवेरा जेल आपको यूज करना चाहिए, एंड अगर आप फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर लिंक एंड डिटेल्स आपको मिल जाएगा जिससे आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कि क्यों फॉरएवर एलोवेरा जेल एक्सपेंसिव आपको लगता है, जबकि ये टोटली सब्जेक्टिव है, किसी के लिए एक्सपेंसिव नहीं भी हो सकता, किसी के लिए हो भी सकता है, मार्केट में हर चीज का अवेलेबिलिटी है, हर चीज का ऑप्शंस है। अगर आपके लिए क्वालिटी इंप्रूव है देन टेक योर डिसीजन, एंड आपके हेल्थ के लिए जो अच्छा है आप वही कीजिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।